लेकिन मैं पहले जरा मैं स्टूडियो में आ जाती हूँ, मुझे जरा ये बताइए मुमताज जी, मैंने एक बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा था अभी, मैंने ये पूछा कि आप लोग जो लोग शोक मना रहे हैं, जो लोग इसे शहादत कह रहे हैं, उनके लिए नसरल्ला शहीद हो गया, उसके लिए 3 दिन दुकानें बंद हो गई, उसके लिए शोक के लिए 3 दिन दुकानें भी नहीं चलेंगी, शोक भी मनाया जाएगा, लेकिन ये मुमताज जी हमारे देश के जवानों की शहादत पर नहीं होता है। नसरल्ला क्या इतना बड़ा हीरो हो गया सबके लिए? नसरल्ला हीरो हो गया? नहीं, सबसे पहले तो ये कि हमारे देश में ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात आप कर रही हैं, क्योंकि नहीं, क्या बेबुनियाद बात कर रही हैं, शहीद होते हैं, नहीं, कौन सी बेबुनियाद बात कर रही हैं, खराज यकीन, नहीं बेबुनियाद बात कौन सी है, बेबुनियाद बात कौन सी है, बेबुनियाद बात कौन सी है, ये कि बेबुनियाद बात कौन सी है, हिंदुस्तान में खराज यकीदत नहीं पेश किया जाता, उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता, हिंदुस्तान में तो दिया जाएगा, हमारे शहीद जवान है, हम तो देंगे उन्हें, ये आप जो कह रही है, नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मुझे ये बता दीजिए, मैंने आपसे पूछा लखनऊ में जहाँ दुकानें बंद हुई है, 3 दिन का शोक मनाया जा रहा है, यहाँ से आपने कोई ऐसी तस्वीर देखी थी कि जवान शहीद हुए उनके लिए हमने 3 दिन दुकानें बंद कर दी? 3 घंटे के लिए बंद कराया, वो कह रहा 3 घंटे कब करी थी ये बता दीजिए, चलिए, और फिर बोलिएगा बेबुनियाद, पहले जवाब दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, दुनिया में देखिए दो चीजें हमेशा हैं, एक हक और एक बातिल। देखिए आप घुमा अच्छा रहे हैं, मेरे सवाल का डायरेक्ट जवाब भी हो सकता था कि नहीं की दुकानें बंद। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, ठीक है, और वो जो है हमेशा हक की लड़ाई लड़ते रहे हैं, और जहां तक आप ये कह रही हैं कि इसराइल के बारे में कि इसराइल भी अपना लड़ाई लड़ रहा है, तो आप बताइए 1880 में फिलिस्तीन में कितने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज इसराइल कितने फीसद पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया, क्या उसके खिलाफ जो लोग जंग की आजादी जिन लोगों ने लड़ी है हिंदुस्तान में भी जंग की आजादी, पहला तो आपने मेरा सवाल डक कर दिया, मैडम सुन लीजिए, आपने पहले तो मेरा सवाल डक किया है, आप सीधे इसराइल पहुंच गए, पहले भारत की बात करिए, पहले भारत की बात करिए, इसराइल बाद में जाइएगा, पहले भारत की बात करिए, कब हुआ 3 घंटे भी बंद यहाँ पर दुकान, कब आप नहीं हुई ना, नहीं हुई ना, बड़ा लीडर शहीद किया गया, नहीं हुआ ना, हुआ नहीं, आप बताइए, मैं तो लीडर की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो देश के जवानों की बात कर रही हूँ, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं जाता है, देश के जवानों से बड़ा कोई नेता नहीं है, मुमताज जी बिल्कुल, जवानों से बड़ा कोई है यहाँ पे, जो आप बॉर्डर पर रहते हैं सुरक्षा के लिए, लोग 40-40, 45-45 हमारे जवानों को शहीद कर दिया जाता है, कर दिया, और उस पर राजनीति, कौन शहीद कर रहा है, उस पर वोट मांगा जाता है, उस पर आंसू बहाया, यहाँ तो राजनीति होती है, ये शर्मनाक है कि यहाँ पे राजनीति होती है, देखिए आप, अच्छा ठीक है, आप घुमाते हैं पता नहीं लगा, आप घुमाते हैं कि उनको मारने वाले को घुमाते हैं, मैं सुशील जी के पास जा रही हूं, एक मिनट, कि आईडीएक्स सहायक कहां से 300 किलोग्राम, देखिए अब आप पुरानी वाली राजनीति कौन कर रहा है सर, ये वाला जो आरोप है ना सर, ये बहुत शर्मनाक है, ये देखिए, अरे भाई, अरे ये पता क्यों नहीं लगाया गया आज तक, देश पर मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ तो एक फौजी बैठे, मैं इसका जवाब देने लायक भी नहीं समझती हूँ, मैं इसको जवाब देने लायक भी नहीं समझती, मैं इसको जवाब देने लायक नहीं समझती हूँ, मैं एक बार बड़ा विस्फोटक अहमद अयाज साहब थ्रू है, अहमद अयाज साहब के पास जाएंगे, मैं एक बार जरा प्रेम कुमार जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आप स्टूडियो में हैं, जरा प्रेम कुमार जी से भी पूछ लेती हूँ, प्रेम कुमार जी मैंने बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मुमताज जी की तरह आप इसे घुमाएंगे नहीं, मैं सीधा पूछ रही हूँ ये सवाल कि जवानों के लिए दुकानें कब बंद की थी, उनकी शहादत के लिए कब 3 दिन का शोक मनाया गया, क्या देश में हमारे जवानों से बड़ा कोई हीरो है क्या, जो बॉर्डर पर रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं, उनसे बड़ा कोई हीरो है क्या? तो सुचारिता जी बात तो सही है, जवानों से बड़ा हीरो कोई नहीं है, लेकिन जवानों के शहीद होने पर पूरे देश में कोई भी कम्युनिटी उस तरीके से उदाहरण नहीं है कि पूरा शोक में डूबता है, इस सरकार टेक कर लेती है, उसका कॉल सरकार का होता है और उसको पूरे देशवासी फॉलो करते हैं, इसलिए ये नहीं कह सकते कि हिंदू नहीं मनाते या मुसलमान नहीं उन शोक मनाते, सर हिंदू मुसलमान तो है ही नहीं ना, जवानों के लिए कौन सा हिंदू मुसलमान, पूरे देश के नागरिकों के साथ सरकार कॉल लेगी और जनता शोक मनाएगी, अब इसमें कहां कंफ्यूजन है वो बताइए, नहीं कंफ्यूजन कोई नहीं है, जवानों पे कोई हिंदू मुसलमान है ही नहीं सर, सवाल इसीलिए बोल रही हूँ, इसीलिए मैं ये पूछ रही हूँ कि जब आप आंसू बहाते हैं और आप कहते हैं कि एक हीरो शहीद हो गया है, तो इनसे बड़े तो कोई हीरो नहीं है, मेरा मतलब ये है उनके लिए 1-3 घंटे का भी कभी शोक नहीं मनाया गया होगा, सीधी बात ये है, और ये सवाल नहीं, ये सवाल उनसे इसलिए होगा क्योंकि 3 दिन तक दुकानें बंद करने की बात कर रही है, कहां नहीं मनाया गया,
कि सब मनाते हैं शो, ये मनाते हैं जो लोग यहाँ पर तीन दिन दुकानें बंद कर रहे हैं वो बिल्कुल मनाते हैं मैडम, बिल्कुल मनाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, तभी तो मैंने पूछा, पहला ही सवाल पूछा था आपसे, आप बताइए कब बंद करें दुकाने, आप नहीं बता पाएंगे। मैं गुमराह नहीं कर रही हूँ, मैं गुमराह नहीं कर रही कि वो हिंदुस्तान के जवान जब शहीद होते हैं, गुमराह नहीं कर रही सर, मैं गुमराह नहीं कर रही हूँ। हमारा एक सीधी बात बताइए, किसी देश के हिंदू या मुसलमान से क्या लेना देना है, किसी भी देश में हमारे, एक बात बताइए, इस देश में कोई लेना देना है? यहाँ पर सुशील पंडित जी बैठे हुए, सुशील पंडित बैठे हुए, भारत जो है महान, नहीं नहीं तो वो नहीं नहीं, इंसानियत इंसान नहीं, भारत महान इसलिए है क्योंकि हमें, नहीं नहीं मुमताज जी हाईजैक मत करिए, हाईजैक मत करिए, रुक जाइए, मेरे को बाकी मेहमानों पर भी जाना है। भारत महान इसलिए है, नहीं नहीं मुमताज जी आई डोंट लाइक दिस, नहीं बाकी मेहमान भी है, मैं उनके पास भी जाऊंगी स्टूडियो में आप, हाँ तो अभी भी करते हैं, अभी भी करते हैं, मैं यही बात बता रही हूँ आपको। नो मुमताज जी समस्या क्या है ना, जब आपके पास जवाब नहीं होता तो आपकी आवाज धीमी निकलती है, फिर आपको लगता है कि मैं जोर से बोलकर मुद्दे को हाईजैक करूंगा। मैं एक बार सुशील जी के पास जा रही हूँ। भारत महान इसलिए है क्योंकि हमें इजराइल का भी दर्द दिखता है और हमें फिलिस्तीन का भी दर्द दिखता है, इसीलिए भारत महान है। इसीलिए ये मत कहिए, हम दोनों की बात करते हैं, हम दोनों की बात करते हैं। आप अगर नसरल्ला की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं मैं रोकूंगी नहीं, मुझे और मेहमानों के पास जाना, नो नो नहीं नहीं सुशील जी, नो 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 10 सेकंड मैं नहीं दे सकती आपको। प्रोफेसर रागी अगर जुड़ गए तो दीजिए सुशील जी, नहीं स्क्रीन पर सुशील जी और अहमद अयाज, नो अहमद अयाज और सुशील जी, अहमद अयाज और सुशील जी, सुशील जी कश्मीर से जो तस्वीरें आई, कश्मीर से जो तस्वीरें आई उन्हें देखकर आपको हैरानी हुई, हैरानी हुई? मुझे हैरानी नहीं हुई, मुझे हैरानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि जब 35 साल पहले एक पूरे के पूरे समुदाय को जलावतन किया गया, अपने घरों से उखाड़ कर फेंका गया, तब एक व्यक्ति नहीं बाहर निकला छाती पीटने के लिए इस तरह। जब इनके पड़ोसी इनके घर लूटे गए, मंदिर तोड़े गए, तो पूरे कश्मीर में सन्नाटा था, आज भी है। आज भी इस बात पर कोई मातम नहीं है, कोई छाती नहीं पीटता, कोई प्रदर्शन नहीं करता, कोई नारे नहीं लगाता कि ये क्या हुआ हमारे समाज को, हमारे पड़ोस को, हमारे बीच रहने वाले लोगों को। लेकिन दूर किसी मुल्क में जिसे ये नक्शे पर ढूंढ नहीं सकते, जिसके नाम के स्पेलिंग ठीक से नहीं लिख सकते, उसके लिए ये इतनी छाती पीटते हैं, और वो भी तब जब वो एक जिहादी था, वो एक आतंकी था जो सर से पांव तक मजलूमों के खून में डूबा हुआ था। ऐसे व्यक्ति के लिए जब आप छाती पीटते हैं तो आपकी ज़हनियत का पता चलता है और समझ में आता है कि क्यों आपने अपने पड़ोसियों के लिए एक आंसू नहीं बहाया। आंसू बहाना तो छोड़िए, जब उनके कातिल बेल पर बाहर आते थे तो दूल्हे की तरह उनका पूरा का पूरा मोहल्ला तालियां बजाता हुआ, गाने गाता हुआ उस पर। जी आपके वापस आ रही हूँ, आपका ऑडियो